जय श्री कृष्णा मैम। एक मिनट, तुम ये जय श्री कृष्णा मत बोला करो, दिस इज स्कूल। तो आप यहाँ क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग। व्हाट आर यू गोइंग टू से? आई विल से गुड मॉर्निंग। दैट्स ग्रेट। गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा मैम। मैंने तुम्हें समझाया था ना सुबह कि जय श्री कृष्णा मत बोला करो, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यहाँ पे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोलोगे इससे। समझ में आई बात? और ये जो तुमने ये सिर पे तिलक विलक जो भी लगा रखा है ना, इसे मत लगा के आएगा स्कूल। तुम्हें ये सारी बातें ना समझ नहीं आएगी, तुम अपने पेरेंट्स को कल स्कूल लेके आना। पता नहीं कौन ये सब सिखाता है लोगों पर। क्या बात होगी मैडम, ये अब क्यों डांट रहे थे बच्चे को? सर पता नहीं आजकल ये स्कूल के बच्चों को ना क्या सिखाते रहते हैं, जैसे कृष्णा वगैरह। आपको तो पता है ना ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यहाँ पे सारी चीजें इंग्लिश में बोलनी चाहिए। तो मैडम जी इसमें बुराई क्या है? भगवान का नाम ही तो ले रहा था ना, ये तो अच्छे संस्कार है उसके। देखिए सर आप मुझे मत बताइए, मैं भी यहाँ की ना स्कूल की टीचर हूँ और मुझे पता है कि अपने बच्चों को क्या सिखाना है। आप ना सिर्फ अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान दीजिए। मैडम आपने बुलाया, मेरे बच्चे ने कुछ किया क्या? सर आप बैठिए, इनकी क्लास टीचर आ रही है, वो आके आपसे बात करेंगे। मैम आपने बुलाया? जय श्री कृष्णा मैडम। ओ अच्छा, आप इसके फादर हैं। तभी मैं सोचूं कि ये सब कहाँ से सीख रहा है। पर मैडम हुआ क्या, मेरे बच्चे ने किया क्या है? आप पहले मुझे ये बताइए कि घर में किसके साथ ये सबसे ज्यादा रहता है? मैडम ये तो अपने दादा और दादी के साथ घर में रहता है। तो आप उनको बोलिए कि इसे कुछ अच्छा सिखाए। पर मैडम इसने किया क्या है, आप मुझे बताइए तो सही। इसको ना मैं समझा समझा के परेशान आ चुके। आप इतने अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में इसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको ये बात समझ ही नहीं आ रही है। ये पूरा दिन जय श्री कृष्ण करता रहता है। अरे सुबह के टाइम से गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, दोपहर के टाइम से गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए, लेकिन ये बस जय श्री कृष्ण बोलता है। अगर ये इंग्लिश नहीं सीखेगा तो इसकी लाइफ में ग्रोथ कैसे होगी? आपका इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाने का फायदा ही क्या है? मैडम माफ कीजिएगा पर आप कौन से देश में रहते हैं? What do you mean by that? आप भारत में रहते हैं ना? Of course. और आप भारत में रहके अपने ही संस्कारों को भूल गई। अगर मेरा बच्चा गुड मॉर्निंग की जगह जय श्री कृष्णा बोल रहा है तो उसमें क्या बुराई है मैडम? कम से कम उसकी जुबान पे भगवान का नाम तो आ रहा है, और भगवान का नाम लेने में कैसी बुराई? मैडम आप बोल रही हैं कि स्कूल भी ना शिक्षा का मंदिर ही होता है, अगर हम स्कूल में गॉड ब्लेस भी बोल सकते हैं तो जय श्री कृष्णा बोलने में क्या प्रॉब्लम है मैडम? क्या गॉड और कृष्ण अलग हैं? मैम आपको पता है प्रॉब्लम हम में ही है, हमें शर्माने लगती है हमारी संस्कृति से। वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में तो हमें कोई शर्म नहीं आती मैम, पर जहाँ बात हमारी अपनी संस्कृति की आती है वहाँ हमें बहुत शर्म आती है। मैडम मुझे बहुत गर्व है मेरे बच्चे पे कि वो अपने दादा और दादी से ये सब सीखता है। आप ही बताइए प्रिंसिपल मैडम, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं सर आपकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी टीचर की ही है। हर्षिता आप बाहर वेट कीजिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। यस मैम। सर आप चिंता मत कीजिए, आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, अब आप घर जा सकते हैं। थैंक यू मैडम। सर थैंक यू नहीं, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मैडम।